ये टू डू लिस्ट बनाना तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। पिछले एक हफ्ते से हर रोज ये लिस्ट बना रहा हूँ और हर रोज अपने सारे टास्क कंप्लीट भी कर रहा हूँ। मुझे लगा नहीं था कि मैं इसको फॉलो कर पाऊंगा। अच्छा, जैसे मैं इस लिस्ट में आज क्या क्या करना है ये लिखता हूँ, क्यों ना मैं एक ऐसे लिस्ट भी बनाऊँ जहाँ मैं ये लिखूँ कि अगले 5 साल के अंदर मुझे क्या क्या करना है। 5-year plan, मुझे फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। अगले 5 साल के अंदर मुझे नई लैंग्वेजेस सीखनी है। अगर मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा करके सीखूंगा तो 5 साल में 2-3 नई लैंग्वेजेस तो सीख ही लूंगा। अगर मैं जापानी सीखूंगा तो एक जापानीज गर्लफ्रेंड बना पाऊंगा, और अगर फ्रेंच सीखूंगा तो फ्रेंच गर्लफ्रेंड बना पाऊंगा। मतलब मैं जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखूंगा उतनी ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स बनाऊंगा। अरे तब तो 8-10 लैंग्वेजेस सीख लूंगा। लेकिन अगर इतनी लैंग्वेजेस सीखने के बाद भी एक भी नहीं पटी तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। लर्न न्यू लैंग्वेजेस, और क्या करना है। वैसे तो मेरी इंग्लिश ठीक ठाक ही है, लेकिन मुझे अपना एक्सेंट चेंज करना है। मुझे अमेरिकन एक्सेंट सीखना है, क्योंकि ये नॉर्मल इंग्लिश में तो हर कोई बात कर सकता है, लेकिन जब मैं एक्सेंट में बात करूँगा, हे यू व्हाट्स अप मैन व्हाट्स अप, तब जाके लगेगा कि नहीं, इसको सही में अंग्रेजी आती है। लर्न अमेरिकन एक्सेंट, मैंने कहीं पढ़ा था कि सक्सेसफुल लोग बहुत बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, मैं भी पढ़ूंगा। अगर मैं डेली कुछ पेजेस पढ़ना स्टार्ट कर दूं, तो अगले 5 साल के अंदर कम से कम 500,000 बुक्स तो पढ़ ही लूंगा। रीड 1000 बुक्स, और क्या करना है। आज ये प्लानिंग के चक्कर में कुछ काम नहीं किया मैंने, कोई नहीं, कल कर लूंगा। 5-year plan तो बना लिया, चलो ठीक है, लेकिन 5 साल तो ऐसे बीत जाएंगे, मुझे थोड़ा और आगे का सोचना चाहिए। मुझे 10-year plan बनाना चाहिए। अगले 10 साल में मुझे एक स्टार्टअप शुरू करना है, और जब मेरा स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा और मैं एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, तब मेरे नाम के साथ फाउंडर एंड CEO लग जाएगा। ये सुनने में कितना कूल लगता है ना, सौरभ देव फाउंडर एंड CEO ऑफ। अरे स्टार्टअप का आइडिया तो सोचा ही नहीं, बाद में सोचूंगा, स्टार्टअप आज के आज थोड़ी ना शुरू करना है। और ये तो मेरा नेक्स्ट 10-year plan है, मेरे पास बहुत टाइम है स्टार्टअप आइडिया सोचने के लिए। स्टार्टअप, और मुझे एक आलीशान घर लेना है, और आज भी पूरा दिन सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग ही करता रहा। अगर मुझे सिर्फ प्लानिंग ही करनी है तो मैं हर रोज ये टू डू लिस्ट बनाता ही क्यों हूँ। कल से ये 5-year 10-year plan सब बंद कर दूंगा और सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करूंगा। हाँ तो आज क्या करना है मुझे। अच्छा ये कर लूंगा, हो जाएगा ये तो कर। फाइव ईयर प्लान बना लिया, 10-year plan भी बना लिया, लेकिन 10 साल बाद क्या करूँगा, मेरे पास तो कोई प्लान ही नहीं है, और बिना प्लान किए तो कुछ नहीं होता, इसलिए मुझे अभी से प्लान करके रखना चाहिए। मैं एक 20-year plan बना लेता हूँ। दस पंद्रह साल के अंदर तो मैं वैसे ही सब कुछ अचीव कर लूँगा, नेम फेम मनी सब मिल जाएगा मुझे। उसके बाद तो मेरा सिर्फ एक ही गोल होगा, सबको उनकी औकात दिखाना। मैं सबसे टॉप पे रहूँगा और बाकी सब सिर्फ मुझे देख के जलेंगे, क्योंकि वो लोग तो लाइफ में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मैं ही सब कुछ हासिल करूँगा, सबसे बड़ा बनूँगा। मैं हर हफ्ते एक नई गाड़ी लूँगा, और ये देख के मेरे दोस्तों को मुझसे जलन होगी, उनको पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, मेरी औकात क्या है और उनकी औकात क्या है। और जलाऊंगा सालों को, हर हफ्ते नहीं, हर दिन एक नई गाड़ी लूंगा और उनके घर के बाहर जाकर जोर जोर से हॉर्न बजाऊंगा, और जब वो घर से बाहर आएंगे तब बोलूंगा कि ये देखो आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। बहुत मजा आएगा उस वक्त। ये तो मेरा डेली रूटीन बन गया, सुबह उठता हूँ और सारा दिन बैठ के फ्यूचर प्लान करता हूँ, लेकिन जो जो काम करने होते हैं वो एक भी नहीं करता। क्या करूँ जिससे मेरा दिमाग हमेशा फ्यूचर के बारे में ना सोचकर प्रेजेंट पे फोकस करे।
एक काम करता हूँ, ये टू डू लिस्ट अभी रात को ही बना लेता हूँ और यह इस दीवार पे चिपका देता हूँ, ताकि सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले ये लिस्ट दिखाई दे। इससे हो सकता है कि मेरा माइंड सिर्फ आज के काम पर ही फोकस करे। काम करता हूँ, ये टू डू लिस्ट अभी रात को ही बना लेता हूँ और यह इस दीवार पे चिपका देता हूँ, ताकि सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले ये लिस्ट दिखाई दे।